हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर स्केरी वीडियो। कि तेरे को ये मास्क पहनने की जरूरत नहीं है? क्यों? ऐसे ही डरावना लगता है। चुप कर। तो गाइस, वापस लेके आ गए हम आपकी फेवरेट गोस्टबस्टर्स लाइफ ऑफ लग्जरी। मुझे लगा तो बोलेगा हम दोनों। अबे चुप कर यार, हम भी गोस्टबस्टर्स बन सकते हैं, हम है टैलेंट यार। वैसे मन तो बहुत करता है, बट मैंने कहा इनका धंधा क्यों खराब करना, इन्हीं को ही करने दो ना। पर ये इंडिया में नहीं करते, हम इंडिया में स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आएगा। कौन कौन हमसे गोस्टबस्टिंग कराएगा अपने घर की? बाय द वे गाइस, आज चेस्टर और ली एक डॉग को इन्वेस्टिगेट करने जाने वाले। क्या हुआ था उसके डॉग के साथ हर्ष? देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। बंदे कह रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं, कह रहे हैं हम कोई एनिमल कंट्रोल वाले थोड़ी हैं जो हम इसकी हेल्प करें। एक्चुअल में वो कह रही है रात को बहुत बार्क करता है, बहुत अग्रेसिव है, तो हर डॉग करता है। ये लड़की मुझे सही नहीं लग रही, मेरे को लग रहा है कुछ तो लो जाए। डॉग लग भी रहा है? ये डॉग है, शेर है, वुल्फ लग रहा है, वुल्फ। यार वैसे वो क्या कर पाएंगे यार अगर डॉग कुछ करता है तो? एग्जैक्टली, उन्हें एनिमल कंट्रोल वाले को बुलाना चाहिए ना। चेस्टर और ली क्या करेंगे यार? Received an email from a 19-year-old girl named Anna. इन दोनों को एक 19-year-old girl एना से ईमेल आया and he crawled back into the house. कि मेरा डॉग जो है एक दिन वुड्स में भाग गया, और जब वापस आया तो उसके साथ कुछ बहुत बुरा, पागल हो गया वो शायद। यार क्या हुआ था ऐसा वुड्स में उसके साथ, बेचारे के साथ? कुछ क्रैकिंग नॉइजेस, स्किन पे कुछ फर भी आ गया, पता नहीं अलग तरीके का। कह रही है कि उसकी बॉडी अब वैसी नहीं है जैसी पहले थी, वो हमेशा एंग्री रहता है, और मैं लाइट्स को हमेशा ऑन रखती हूँ क्योंकि मुझे काफी डर लगता है। और उसने फुटेज भेजी है, जैसे कि हर बंदा भेजता है इनको एक एविडेंस के तौर पे, कन्विंस करने के लिए एक तरीके से। कुछ बहुत ज्यादा डरावना तो नहीं था हर्ष? क्या गलत हुआ होगा उसके डॉग के साथ? मुझे डर लग रहा है यार, इनको काट वूट लिया तो कुछ नहीं होगा यार। हर्ष तू इतना क्यों डर रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ, हमारे दोस्त हैं यार। एक्चुअली इनको कुछ होना नहीं चाहिए। वो कह रहा है कि बहुत ज्यादा परेशान थी, इसको तो सारी लड़कियां परेशान ही दिखती हैं। इसके बस के लड़कों लड़कों का कोई केस नहीं आता, कोई बंदा ईमेल करता ही नहीं, सारी लड़कियां इसको ईमेल करती हैं। हर जगह पहुंच जाता है, सोचता है मेरी सेटिंग हो जाएगी, चलो मैं चलता हूँ। वो दूसरा वाला हमेशा कहेगा कि नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और ये हर्ष का फेवरेट सीन, गाड़ी में जाते हुए अंधेरी रात में अंजन की सीटी में मारो मन डोले, पहुंच गए हैं एना के घर। वो एना की कोठी देख, हवेली। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने VFX से बनाई हुई है। इतनी डरावनी हवेली है ना कि वो नहीं थी हर्ष, और झूठी हवेली दिखाई है, मैं बता रही हूँ तेरे को। अभी आना का 36 नंबर में वो पहुंचा है। आज कुछ अलग तरह से शूट कर रहे हैं। एना एकदम सोई हुई लग रही है, ऐसे सोके उठी हूँ। भाई बहुत ठंड है पता है बाहर। ये मुझे तो एना के साथ कुछ गड़बड़ लग रही है हर्ष। ये बोल रहा है कुछ, बोल क्यों नहीं रही वो? ऐसे देख रही है। ओके लेट्स गो। ओके एना, थैंक यू फॉर लेटिंग अस। एना कह रही है कि तुम धीरे बोलो, मैं उस अपने डॉगी को उठाना नहीं चाहती। दैट्स वेरी रूड ऑफ हर। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या हुआ डॉग के साथ, क्या कर रहा है वो आजकल। कह रही है कि उसने कुछ देखा है वुड्स में। इसको कैसे पता, वो तो भाग गया था। कह रही है मैं जब ढूंढने गई तो मुझे मिला नहीं, तो उसको लगा कि वो भाग गया होगा, और इसने अपना फ्रंट डोर ओपन रखा। पर एक दिन वो वापस आ गया और अपने रूम में वापस चला गया। इसको उसके भौंकने के स्टाइल से पता लग गया कि मेरा डॉग जो है वो बदल चुका है। क्या पता कोई और डॉग आ गया हो? यार कुत्ते तो एक जैसे ही भौंकते हैं, ओह ओह ऐसे करके तो भौंकते हैं। कह रहे तो एक एनिमल एक्सपर्ट की हेल्प से। सही बोल रहा है, बताया चेस्टर। पहली बार तो वो कुछ सेंसिबल बोल रहा है। वो कह रही है उसकी बॉडी के साथ भी कुछ तो गड़बड़ है। बंदी नेपाल घूम के आई है, उसने नेपाल की शर्ट पहनी है। इसी से याद है, हमें नेपाल का व्लॉग डाल देना चाहिए। ओ भाई इसका हाथ पकड़ लिया, सीधे ही हाथ पकड़ लिया। मैं बता रही हूँ ये सेटिंग करना चाहता है, कह रहा है मुझे अपना डॉग दिखाओ और मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। भाई हिम्मत है, कह रहे दिखाओ अपना डॉग का। पूरे टाइम लाइन मारता रहता है यार ये बिजनेस कर ही इसलिए रहा है कि इसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, पर बन ही नहीं पाती। जंप कर दिया तो इन पे अगर ऐसे कैमरा वगैरह देख के। कह रही है कि लास्ट टाइम उसने मुझे ऑलमोस्ट बाइट कर लिया था, मैं लाइट्स ऑन नहीं करूंगी ताकि हम सब सेफ रहे। अभी तो उसको बांध दो यार अगर ऐसा कुछ है तो। कहाँ है? देख रहे, ओ दिख गया उसको, उसकी एक्टिंग देखी तो। डॉग बेचारा छुप रहा है यार। ये डॉग तो बेचारा बड़ा भोला लग रहा है, कितना शरीफ लग रहा है। इसका कुछ भी गलत नहीं है एना। वो कह रहे हैं उसको कुछ हर्ट हुआ है। उसको कह रहे हाँ मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। कह रहे चलो भाई कैमरा सेटअप करते हैं एज ऑलवेज, और ढूंढते हैं भाई क्या गलत हो सकता है हमारे डॉगी के साथ। बट मुझे लगता है घर रुकेंगे आज। क्यों भाई? डॉग है, डर तो इन्हें भी लग रहा होगा। तो क्या हो गया यार, डॉग तो इंसानों से ज्यादा बेटर होते हैं। What are you talking about? Dude, कुछ तो गड़बड़ है उस डॉग के साथ। वो कह रहा है एनिमल कंट्रोल का जॉब है, पर तुम भी क्या कर लोगे? तुमने वैसे भी आज तक कौन सा केस सॉल्व करा है? सारे भागने केस तो भाग जाते हैं। चलो भाई कैमरा इंस्टॉल हो रहे हैं।
अब फाइनली इन्होंने डॉग के रूम के अंदर भी कैमरा लगा दिया। डॉग तो हिम्मत चाहिए भाई इतनी, पर डॉग अच्छा लगाने दे रहा है, कुछ कह भी नहीं रहा है, आराम से बैठा हुआ है अपना, वो बोलते हैं ना उसको कुमड़ी में, सुमड़ी में, सुमड़ी देख में। ले, कार के अंदर सो रहे हैं कह रहा था ना मैं। हाँ, इनको बहुत डरपोक है दोनों, कह रहे हम बस यहीं से देखेंगे और सो जाएंगे, मेरे को पता है ये सोते हैं बस, जब भी कुछ होगा ना वो सो रहे होंगे। बस बार बार यही कह रहा, कैसे नॉर्मल नहीं था, हमें बताओ, एक्सप्लेन तो करो, उस डॉग में ऐसा क्या था जो नॉर्मल नहीं था। भूख लग रही होगी, सो रहा होगा, अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, रात के 12 बज गए, 12 बज चुके हैं, आना मजे में सो रही है। वैसे आना को बड़ा डर लगता है कि डॉग कुछ कर देगा, डॉग में प्रॉब्लम है, आज उसको हौसला है ना, अभी क्या लगता है डॉग आने वाला, यहाँ इसके पीछे ना कबर्ड के, हाँ देखी जा रहे एक टक एक टक, ऐसे बंदा कैसे, जब भी कुछ होगा ना ये देखिए सो गए होंगे। हाँ हाँ ऑब्वियसली ये सोएंगे तभी डॉग कुछ करेगा, ऐसे कुछ नहीं करने वाला वो, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। पौने एक हो गए, आ गया आ गया आ गया, आया ये बंदा है, ये डॉग नहीं है, कह रहे हैं वो डॉग रूम पे वापस फोकस करो, वो जाके अच्छा ये डॉग है, डॉग नहीं है यार, कह रहे ये बड़ा स्ट्रेंजली मूव कर रहे हैं यार, डॉग ही तो है यार, आवाजें तो एकदम डॉग जैसी हैं। नहीं यार डॉग वाली थोड़ी नहीं, तो कुछ और नॉइज है, ये कार्टून है यार, ये डॉग नहीं है, कार्टून है, बंदी रॉक कर रहा है यार, कह रहे अभी बैठे हैं यहीं पे देखते हैं, हम तो वैसे भी फाइट कर नहीं सकते डॉग से, कि आज घर में भी नहीं जाने वाले, मैं बता रही हूँ तेरे को, अबे इतना बड़ा कुत्ता है भाई वो, डॉबरमैन लग रहा है, वहां जाके सो गया, ये कैसी अजीब सी आंखें यार इस डॉग की, वो सीन कट क्यों हुआ, उनको दिखाना नहीं होगा, ये डॉग है, नहीं है यार ये VFX से बंदा है, क्या बात कर रहा है, ये देखिए जैसे जीप एक वुल्फ लग रहा है, एक्चुअल में मेरे को लोमड़ी लग रही है, ओ यार बंदा है, अब बंदा है भाई, बंदा है, ये देख रही है VFX से, ओ भाई ओ डॉगी के अंदर भूत आ गया, आ गया आ गया आ गया, Why is he walking like that? और कैसे मूव करेगा, तुम जैसे चाहोगे वैसे तो वो वॉक करेगा, ये देख तो देख देख, एना के रूम में जा रहा है, एना मजे में सो रही है अपना, और एना को कोई होश नहीं, भाई डॉग रूम कैसे खोल सकता है, बस मुझे एक्सप्लेन कर दो कोई, मुंह से ओ शुद्ध बुद्ध खोई है, खोई मैंने, ये डॉग है, ये डॉग है भाई, उसको हाथ चोट रहा है, कह रहे इसकी टंग इतनी लंबी क्यों है यार, हमें तो दिख नहीं रही, मेरे को दिख ही नहीं उसकी टंग, एक बार फिर से दिखाओ मुझे, भालू है ये भालू, डॉग उड़ गया, ओ भाई ये डॉग है ही नहीं, बंदा उसके घर आ गया, वो सोच रही डॉग है, बंदे ने कपड़े पहन रखे हैं भाई डॉग के, इसको बचाओ कोई, डीमन लग रहा है, बचा लो भाई, जा रहे बचा, कमॉन वो वहीं बैठी बैठी ऐसे ऐसे करी जा, भागा 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 भागा, जंप करके भाग रहा था, कैसे भाग रहा है, कार्टून लग रहा है यार मेरे को तो, आगे आगे काट लेगा उनको, कुछ ना काटने वाला, दांत भी ना है उसके, डॉगी तो कहीं और ही जा चुका है, ये क्या बात हुई यार, भाई आज तो कह रहे मारेंगे उसको, अच्छा आज इनमें आ गए हैं गट, हाँ गंदे गंदे पैर लेके भाग गया, देखो आई हाय ठीक है, नहीं ये तो कपड़े है उसके, पता है कोई आदमी है उसने हाँ। कपड़े उतार दिए डॉग वाले और भाग गया, पता है वो अभी किसके पास जा रहे हैं, एना को लेने, वो कह रहे हैं ये तुम्हारा डॉग था ही नहीं, कोई भेस बदल के वहाँ पे रह रहा था, वो इतने दिन से उस बंदे को रख रही थी अपने घर पे, और उस बंदी की तो हालत देख, वहीं बैठी हुई है, ये नहीं कि उठ के जाए हेल्प वेल्प करे, कोई मतलब नहीं उसका, इन्होंने एना को अपने घर ले गए और उन्हें पता ही नहीं था कि वो आदमी कौन है, अपेरेंटली एनिमल कंट्रोल लोकेटेड हर एक्चुअल, और उसका असली डॉग मिल गया, असली डॉग उसको मिल गया, थैंक गॉड फॉर दैट, नहीं तो वो किसी और आदमी को अपने घर फिर से आने देती और उसको बेवकूफ को पता भी ना होता, समझ के ठीक है, आज इन्होंने हेल्प करी एक्चुअल, आज इन्होंने एक्चुअल में हीरो वाला काम किया, सैल्यूट, थैंक्स चेस्टर एंड ली, आई एम प्राउड ऑफ यू, अगली बार अगर आप चाहते हो कि हम इनकी वीडियो में रिएक्ट करें कमेंट्स में जरूर बताना और लाइक करना वीडियो को, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।